Hi, this is Anamika and welcome to Metro TV. Now time for entertainment Bollywood news. दो सुपरस्टारों की फिल्मों का क्लैश होना फिल्म के बिजनेस के लिए कभी अच्छा नहीं होता। पिछले साल दिलवाले और बाजीराव मस्तानी के बॉक्स ऑफिस पर क्लैश होने के बाद अब शाहरुख खान इस स्थिति से बचना चाहते हैं। खबरों के अनुसार शाहरुख और फिल्म मेकर रितेश सिद्धवानी ने राकेश रोशन से मुलाकात की। तीनों ने रईस और ऋतिक रोशन काबिल के बॉक्स ऑफिस पर क्लैश से बचने की बात कही। अभी तक ये दोनों ही फिल्में रिपब्लिक डे वीकेंड पर रिलीज होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग कुछ घंटों के लिए चली और आधी रात को खत्म हुई। हालांकि अभी तक कुछ फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि दोनों में से एक मूवी की रिलीज डेट बदली जाएगी। राकेश रोशन से संपर्क करने पर उन्होंने कहा, मैं और शाहरुख बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम बहुत दिनों से नहीं मिले थे, हमने अपनी मूवीज़ के बारे में बात नहीं की। अपनी फिल्म की रिलीज डेट के बारे में पूछे जाने पर राकेश रोशन का कहना था, मेरी फिल्म रिपब्लिक डे वीकेंड पर ही रिलीज होगी। अभी फरहान अख्तर शहर में नहीं है, उनके आने के बाद हम देखेंगे। एक मीडिया इंटरेक्शन में शाहरुख ने कहा, हमने रितेश और फरहान से बात की, इससे बचने के लिए एक उपाय सोचना पड़ेगा। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान इन दिनों कबीर खान की अपकमिंग फिल्म ट्यूबलाइट को लेकर खासा व्यस्त हैं। वहीं इसके बाद सलमान की सुपरहिट फिल्म दबंग की तीसरी सीरीज दबंग 3 की शूटिंग करेंगे, लेकिन फिल्म में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। खबरों की माने तो फिल्म में रज्जो के किरदार में सोनाक्षी सिन्हा नहीं होगी। खबरों के अनुसार दबंग के प्रोड्यूसर अरबाज खान किसी नई एक्ट्रेस को साइन करने का मन बना रहे हैं। ऐसे में अपनी स्लिम और हॉट फिगर से दर्शकों को हैरान कर रही एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा को इस रोल के लिए फिट माना जा रहा है। इन दिनों परिणीति फिल्म डिशुम के आइटम सॉन्ग जाने मन आहा से खासा सुर्खियां बटोर रही है। सलमान से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि अरबाज खान के हिसाब से परिणीति इस रोल के लिए फिट नजर आ रही है। ऐसे में वे तुरंत ही परिणीति से संपर्क कर सकते हैं। खबरें तो ऐसी भी आ रही है कि सलमान और सोनाक्षी के बीच कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। दरअसल सोनाक्षी ने अरबाज की फिल्म डोली की डोली में काम करने का ऑफर ठुकरा दिया था, जो बात सलमान और अरबाज दोनों को रास नहीं आई। ऐसा कहा जा रहा है कि सलमान भी सोनाक्षी संग काम करने के मूड में नहीं है, तो शायद यही वजह है कि आईफा अवार्ड्स के दौरान भी सलमान और सोनाक्षी एक दूसरे को इग्नोर करते नजर आए थे। अब ऐसे में दबंग 3 के फिल्म मेकर्स एक अच्छे रिप्लेसमेंट की खोज में हैं। वही अगर परिणीति इस फिल्म को हाँ करती है तो सलमान के साथ उनकी ये पहली फिल्म होगी। बॉलीवुड की मस्तानी और हॉलीवुड में एक्शन सीन्स से खूब सुर्खियां बटोर रही दीपिका पादुकोण के पति शाहिद कपूर बनने जा रहे हैं। बॉलीवुड के जाने माने निर्देशक संजय लीला भंसाली की अपकमिंग फिल्म पद्मावती में शाहिद कपूर दिखाई दे सकते हैं। इस तरह शाहिद इस फिल्म में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के हस्बैंड के रूप में नजर आ सकते हैं। ये पहली बार होगा कि शाहिद भंसाली और दीपिका संग काम करेंगे। खबरों के मुताबिक भंसाली ये चाहते हैं कि शाहिद चित्तौड़ के किंग की भूमिका अदा करे, जिन्होंने चित्तौड़गढ़ की क्वीन पद्मिनी से शादी की थी। इससे पहले ये खबरें आई थी कि विक्की कौशल इस मूवी में मेवाड़ के किंग रावल रतन सिंह की भूमिका प्ले करेंगे। खबरों के अनुसार विक्की का दीपिका के हस्बैंड की भूमिका के लिए ऑडिशन हुआ था, अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है। आपको बता दें कि इस मूवी में रणवीर पहले से ही लीड किरदार के लिए फाइनल हो चुके हैं और अब शाहिद के आ जाने से ये मूवी बड़े नामों से सज जाएगी। ये दीपिका और रणवीर की एक साथ तीसरी मूवी होगी। गोविंदा डांसिंग स्टार थे और हमेशा रहेंगे। गोविंदा की डांसिंग में एक खास अदाई थी जो फिर किसी एक्टर में नहीं आ पाया। हाल ही में अपनी बेटी के जन्मदिन पार्टी में गोविंदा 90 के दशक के अपनी फिल्मों के गाने पर जमकर डांस करते दिखे और गोविंदा का साथ दिया उनकी भांजी रागिनी खन्ना ने। गोविंदा और रागिनी खन्ना ने फिल्म हसीना मान जाएगी के हिट गाने व्हाट इज मोबाइल नंबर पर जमकर डांस किया। वीडियो में आप देख सकते हैं गोविंदा के घर में बिल्कुल जश्न का माहौल है। यहाँ गोविंदा की बेटी टीना आहूजा की बर्थडे पार्टी चल रही थी। रागिनी खन्ना ने डांस वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया और गोविंदा को किंग ऑफ स्वैग कहा है।
कोई शक नहीं कि गोविंदा फैंस के लिए ये वीडियो किसी ट्रीट से कम नहीं होगा। बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा, जो कि अभी हाल फिलहाल सुल्तान को लेकर कुछ ज़्यादा ही सुर्खियों में हैं। सुल्तान के साथ साथ अनुष्का एक और बात से चर्चा में आई। चर्चा है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने अपनी दूसरी होम प्रोडक्शन फिल्म फिलोरी की शूटिंग पूरी की और फिल्म से जुड़े सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया। इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म का निर्देशन अंशय लाल ने किया है। बता दें कि डार्क थ्रिलर फिल्म NH10 के बाद फिलोरी अनुष्का की दूसरी होम प्रोडक्शन फिल्म है और अब इस फिल्म के बारे में पता चला है कि फॉक्स स्टार स्टूडियो और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा की होम प्रोडक्शन फिल्म फिलोरी की रिलीज डेट सामने आ गई है। ये फिल्म अगले साल 31 मार्च 2017 को रिलीज होगी। बता दें कि फिल्म की अंतिम शूटिंग पंजाब में हुई। इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ, सूरज शर्मा, मेहरीन पीरजादा और अनुष्का मेन भूमिका में है। वेल, अनुष्का के फैंस के लिए इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार रहेगा। फिलहाल बॉलीवुड एंटरटेनमेंट में इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए बी विद मेट्रो टीवी। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।